हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, पार्ट वन को आपने बहुत लाइक करा। आपके बहुत सारे कमेंट मुझको मिले कि इस वीडियो को सर कंटिन्यू करो, और एक कमेंट मेरे पास में आया था फिटर से संबंधित। सर, फिटर के ऊपर आप एक क्वेश्चंस बनाइए, एक वीडियो तैयार करिए। तो फ्रेंड, इसमें जो अगला पार्ट है हमारा वो फिटर का ही है। इसका एक वीडियो मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूँ। देखिए, आपका रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव रहा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस वीडियो पर शेयर बहुत कम हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेरे पिछले लास्ट मंथ में 200 वीडियो मेरे रिमूव हुए थे। उसका रीज़न यही था कि उस पर व्यू कम थे और शेयर बिल्कुल ना के बराबर था। वही हाल इस वीडियो का भी हो रहा है। तो प्लीज़ आप बस केवल इतना हेल्प करिए कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। बस इतनी सी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ और बढ़ता हूँ अपने आगे वीडियो पर। देखिए, इसमें जो है अगला पॉइंट वो है फिटर, और इसमें से भी हमको क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो हम देखते हैं। देखिए, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के बिल्कुल नीचे अंडर कट लगाने का मुख्य कारण क्या होता है? जॉब पर किनारे के बर को स्थान देने के लिए लगाया जाता है, उसमें क्या अंडर कट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए कहीं पर इसको पेन डाउन कर लेना। अगला आपका स्क्राइबर के पॉइंट का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है आपका 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवर साइज ड्रिल होने का मुख्य कारण क्या है? ये होता है आपका कटिंग एंगल का अक्ष के दोनों ओर बराबर न होना, तब होती है ओवर साइज ड्रिल। ड्रिल द्वारा आसानी से नए काटना और उनके कटिंग एज जल्दी ख़राब होने का रीज़न क्या होता है? तो ये होता है आपका लीफ क्लियरेंस एंगल का नहीं या थोड़ा कम होना। टेम्पलेट या टेम्पलेट का मुख्य प्रयोग किस लिए किया जाता है? कार्य की आकृति के अनुसार मार्किंग वे चेकिंग के लिए प्रयोग करते हैं, किसके? टेम्पलेट का। नेक्स्ट हमारा कूलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? कटिंग करते समय कटिंग टूल और कार्य को क्या करना? ठंडा करना। देखिए, कूलेंट बना है कूल से, कूल मतलब ठंडा, ठंडा मतलब चिल, चिल मतलब आइस, तो मतलब इसका कार्य होता है ठंडा रखना। अगला पॉइंट है मशीन की ओवर हीलिंग, जो हम कहते हैं कि ओवर हॉलिंग हो रही है, इसकी ओवर हॉलिंग हो रही है। आप देखते हैं ना, बाइक वगैरह चलते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी जो मोटर है उसमें क्या हो रही है, ओवर हॉलिंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मशीन को पूर्णतः मतलब अच्छी तरह से खोल कर साफ करना, तेल देकर दोबारा उसको फिट करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर हॉलिंग। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन का उत्पादन करने वाली फर्नेस का नाम क्या है? तो वो है आपका ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह होती है क्या? ये होती है एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट, जॉब में इस वंकवाकार छेद, जो शंकुवाकार जो खेद वो होता है ना, मतलब छेद होता है शंकु के आकार का बनाना, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सेंटरिंग। एंड एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो ये होता है 29 डिग्री। दो धातुओं को पिघलाकर इकट्ठा जोड़ा जोड़ना जाना जाता है क्या? इसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो धातुओं को पिघला करके आपस में उसको मर्ज करते हैं, उसके बाद जो बनती है धातु उसको बोलते हैं एलॉय। जी आई सीट के सोल्डरिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड। कठोर पदार्थ को फाइल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं सिंगल कट फाइल का यूज। और ड्रिलिंग समय की गणना का सूत्र होता है क्या? फीड की दूरी अपॉन में फीड मल्टीप्लाई चक्कर अपॉन मिनट। थ्री जॉ चक का दूसरा नाम क्या है? तो वह आपका सेल्फ सेंटरिंग चक। और लैथ बेड किस आयरन का बना होता है? तो ये बना होता है कास्ट आयरन का। माइल्ड स्टील के लिए प्रयोग होने वाली HSS ड्रिल का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो वो होता है आपका 118 डिग्री। और कार्बोराइजिंग कितने डिग्री ताप पर की जाती है? याद रखना, बात कर रहा है इसका कार्बोराइजिंग कितने डिग्री पर की जाती है, तो ये करी की जाती है 900 से लेकर के 1000 सेंटीग्रेड तक। रिविटिंग
कैसे फास्टनिंग सक्रिय है? तो यह एक्चुअली अर्ध स्थाई कॉमन बेयरिंग ब्रूस किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है गन मेटल की, और बेवेल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करना चाहिए कोण नापने के लिए। रफ सरफेस की मार्किंग करते समय प्रयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का, और यदि ड्रिल 0 से 1 मिलीमीटर पर चक्कर और चक्कर प्रति मिनट 100 हो तो ड्रिल प्रति मिनट चलेगी कितना? तो वो चलेगी 10 मिलीमीटर। स्क्रैपर किसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हार्ड